खाने में तो दोस्तों पनीर है भाई। और ये पटना का माल है आप लोगों को बता दूं मैं। जय श्री राम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो हमारे नए ब्लॉग में स्वागत करता है फिर से आप लोगों का अजय भाई। तो दोस्तों इस समय लोडिंग पॉइंट में आ चुके हैं भाई लोडिंग करने के लिए, जैसे कि रायपुर। तो कल घर पे रुके हुए थे दोस्तों, कल रक्षाबंधन था और आप लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन, क्योंकि आज भी रक्षाबंधन मनाया जा रहा है और कल भी, मतलब कल तो ग्रहण लगा हुआ था, तो कल रक्षाबंधन बहुत जगह नहीं मनाया गया, बहुत जगह मनाया भी गया होगा। तो अभी लोडिंग करने के लिए आ गए दोस्तों और दिन के करीबन बज चुके हैं भाई 11:30। अभी देखते हैं भाई क्या लोड होता है यहाँ से। यहाँ से एक बार आए थे तो दोस्तों मास्क वगैरह लोड हुआ था, सिरिंज वगैरह, तो मेरे ख्याल से वही हो सकता है। और ज़्यादातर भाई पटना बिहार का निकलता है, तो देखो पटना बिहार का होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत दिन हो गए दोस्तों उधर भी नहीं गए। उधर का इलाका बहुत ही बढ़िया है, मस्त है, मतलब अपना छत्तीसगढ़ ही तक, क्योंकि उसके बाद तो फिर उधर पहाड़ी इलाका नहीं मिलता। अपन छत्तीसगढ़ जैसे पार करेंगे उसके बाद उधर तो सिंपल है, उतना ज़्यादा घाट एरिया नहीं है। तो उस रोड में बहुत दिन हो गए दोस्तों गए, तो अभी देखते हैं अगर उधरी का माल होगा तो मज़ा आ जाएगा भाई, है ना। अब देखते हैं कितने बजे तक यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पर गाड़ी एक ठो लगी हुई है, देख सकते हैं यहाँ पर सामने में, और इधर बगल से लोड होगा दोस्तों। तो देखते हैं जैसा भी सिस्टम होता है भाई, बताते हैं आप लोगों को। कंटिन्यू ब्लॉग पर बने रहो, जितने बंदे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन कॉल पर सेट करना दोस्तों। दोस्तों दोपहर के भाई बज चुके हैं एक, और अभी तक भाई लोडिंग लाडिंग का कोई पता नहीं चल पाया। एक गाड़ी लगी हुई है उधर, उसके बाद में अपनी गाड़ी लोडिंग होगी। तो अपन भाई खा लेते हैं खाना, क्योंकि सुबह भाई नाश्ता वगैरह करके आए थे तो मम्मी ने खाना ही पैक कर दिया था। जो कि खाना में क्या है देखते हैं। तो खाने में तो दोस्तों पनीर है भाई। चेक करते हैं, लोडिंग पॉइंट में लग गई भी, लोडिंग भी होना चालू हो गई, जो भी देख सकते हो आप लोग। बस लगभग लोडिंग होने वाली है दोस्तों। और अजीत भाई की भाई तबीयत खराब हो रही है, अप डाउन हो रही है, पता है। तो मेरे ख्याल से भाई दबाव वो कल लेके निकलेंगे, क्योंकि जहाँ से लिया है वहाँ पर भाई क्या कहते हैं, मतलब लोकली टाइप का, जहाँ पे हम लोग परमानेंट लेते हैं वहाँ पर ही जाके लेना पड़ेगा दवा। कल लेके निकलेंगे भाई दवा वगैरह उसका, अभी लोडिंग करा के निकलते हैं पहले घर, ठीक है। तो दोस्तों लोडिंग भाई हो चुकी है भाई अपना गाड़ी का, भाई मार रहे हैं तिरपाल, फिर उसके बाद में निकलते हैं दोस्तों। एरिया चेक करो भाई साहब, बहुत ही बढ़िया है। तीन तिरपाल डालना पड़ रहा है भाई। हाँ, सफ़ेद वाला डालते हो, हरा वाला बस हो गया, क्योंकि हरा और सफ़ेद थोड़ा ठीक ठाक है। तो दोस्तों रास्ता तिरपाल भाई अपना कंप्लीट हो चुका है, तो ये बिल्टी वगैरह ही मिल गया, तो निकलते हैं अभी, ठीक है। और ये पटना का माल है आप लोगों को बता दूं मैं। तो दोस्तों निकल चुके भाई लोड करके, चलते अभी सीधा भाई घर और देखते हैं भाई निकलेंगे कि नहीं। सेठ से बात करते हैं पहले, क्या बोलता है। हट जा माता, देख तो साइड ला। सिंगल पुलिया है दोस्तों, और गाय भी आके खड़ी हो गई भाई।
पे आ गए दोस्तों, सीधा निकल रहे हैं भाई घर। अब देखते हैं भाई, बात करेंगे अभी क्या बोलता है सेठ हमारा। ठीक है, खैर छुट्टी तो दे देनी चाहिए यार, मतलब छुट्टी नहीं तो एक दिन के लिए रुकना ही पड़ेगा, मतलब है ना, क्या है इसका इलाज करवाना पड़ेगा भाई, उसके बाद में निकलेंगे, समझ रहे हो। देख रहे हो दोस्तों कैसे फंस गई है गाड़ी यहाँ। कैसे लगा तबीयत, थोड़ा ज्यादा डाउन लगा था तो। क्या लग रहा है फिर भी? बुखार लगा थे। हाथ पैर दर्द कर रहा, हाथ पैर दर्द दे रहा है भाई, बुखार है। चलते कल दिलाते भाई दवा पानी इसको, फिर उसके बाद में निकलेंगे शाम रात को आराम से। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं भाई अभी सिमगा, अभी सिमगा होके जा रहे हैं, अजीत भाई को छोड़ेंगे, उसके बाद में अपन आएंगे स्कूटी में। क्या है पता खुला होगा तो भाई इलाज करवा लेगा, नहीं तो रात में और ज़्यादा बढ़ गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। तो अभी अजीत भाई को छोड़ देते सिमगा में, फिर उसके बाद में आते हैं अपन स्कूटी में फटाक से। फिर दोस्तों क्या है, अगर खुला होगा तो इलाज करवा ही लेगा, नहीं खुला होगा तो फिर तो कल करवाना ही करवाना है ना। ये बाईपास रास्ता है सीधा निकलने के लिए, लेकिन अपन सिटी होके जा रहे हैं। ये देखो सिमगा सिटी, तो दोस्तों भाई घर पहुंच चुके हैं और अजीत भाई को अभी सिमगा छोड़ के आए हैं। तो अजीत भाई अभी हॉस्पिटल पे हैं, मतलब है ना, तो अभी जा रहे हैं उसको लेने के लिए। मेरे ख्याल से इलाज पानी हो गया होगा, देखते हैं चलते हैं सिमगा। तो दोस्तों दवा ववा लेके भाई निकल चुके हैं भाई घर के लिए, जा रहे हैं। अजीत भाई ने दवा ली, अब देखो रात भर में आराम हो जाए तो अच्छी बात है, देखते हैं जैसा भी है। तो दोस्तों घर आ चुके हैं भाई, अभी खाना पीना खाते हैं, फिर उसके बाद में भाई आराम आराम करेंगे। अजीत भाई ऊपर बैठे हुए हैं, आ जा खाना खा ले, नीचे आ जा। खाने में क्या है मम्मी, इसमें क्या है, रोटी है क्या? चला आलू भुजिया और रोटी। दूध लगो, दूध मत खावे, चल का खा, मैं भी खा लेती हूँ। अजय भाई पानी ला दे, तो दोस्तों खाना पीना भाई अपना हो गया है और सबको भी आराम भी करना चालू कर दिए, आराम कर रहे हैं सबके साथ। अजीत भाई भी आराम कर रहे हैं, गोली वोली खा लिए, थोड़ा बहुत तो आराम लग रहा है। अब देखो कल क्या सिस्टम होता है भाई। और सेठ से भी छुट्टी मांगे थे तो बोला ठीक है रुक जाना, लेकिन कल टाइम से निकल जाना है, ऐसे टाइप के बोले। उसके बाद में भाई ठीक है बोले हैं, अब देखो कल क्या होता है भाई, कल शाम तक तो निकल ही जाएंगे ठीक है, क्योंकि भाई पटना का माल लूट किए हैं और उनका भी माल भी जल्दी देना है। क्या संडे को वहाँ पर छुट्टी रहती है ना, बात ऐसी रहती है
हर बार जब भी मैं लौट के आऊँ पटना का एक दिन छुट्टी पड़ ही जाता, अब क्या करूँ मैं। कभी मैं अपने जानबूझ के छुट्टी ले लेता था और इस बार थोड़ा काम पड़ गया, इसकी वजह से छुट्टी मेरे को लेना पड़ा। तो आज का ब्लॉग थोड़ा छोटा है दोस्तों, तो एडजस्ट कर लेना। कल का ब्लॉग में देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो आज का ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय।